हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन बाद मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ यहाँ पे आ गया हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, एंड उससे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं, आज की क्लास ज्यादा देर के लिए नहीं है, जस्ट लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है क्योंकि ये लास्ट में बताएंगे कुछ खास। तो चलिए देखते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले से पांच क्वेश्चन लिखा हुआ है। जानते हैं ये सब क्या है? शायद जानते होंगे क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसको कहा जाता है एक्चुअली नैरोसेंट चेंज, या तो फिर रिपोर्टेड स्पीच, या तो फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज। यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, इससे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है वो सिखाएंगे आज हम। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ट्रिक, ये हो गया मेरा अनोखा ट्रिक, माई यूनिक ट्रिक, जिसको यूज करके मैं सारा यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में मैं चेंज करूंगा। सो यू हैव टू वॉच इट इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, देन यू हैव टू वॉच इट। सो द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी हियर, He said to me, I am looking for a job. इसको मैं ऐसे चेंज करूंगा, He told me that he was looking for a job. ये पहला वाला जो भी किया मैंने कि he told me that he was looking for a job. ये जो आप देख पा रहे हो टू इक्वल टू सिक्स, दो अगर रहता है तो सिक्स होता है। ये वाला ट्रिक जो है यहां पे मैंने ये यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, राहुल सेड टू राजा, वेयर डू यू लिव, देन ये वाला कैसे होगा, राहुल आस्क्ड राजा वेयर ही लिव्ड, यहां पे भी चेंज हुआ, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये वाला जो है ना, दिस वन इज द डायरेक्ट स्पीच, इससे ये जो आंसर आया है इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो मैंने चेंज किया यहां पे, ये जो वन से फाइव, दैट मीन्स एक रहता है तो पांच होता है, ये वाला ट्रिक मैंने यहां पे यूज किया। उसके बाद है ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, ये वाला होगा, ही आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, ये थर्ड वाला, ये भी द फर्स्ट वन, दैट मींस अगर वन रहता है तो फाइव होता है। एंड आई सेड टू हिम यू आर फोर, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज ए फूल, ये भी वन टू फाइव हुआ, ये भी वही ट्रिक यूज कर मैंने चेंज किया। एंड द लास्ट वन, ही सेड राम आर यू फाइन, ही आस्क्ड राम इफ ही वाज फाइन, ये भी मैंने वन टू फाइव, दैट मीन्स अगर एक रहते हैं तो पांच, यही वाला ट्रिक यूज करके ये भी मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। अब देखना ये है कि कौन सा यूनिक ट्रिक है ये जिसको यूज करके मैं सारा ये जो पांच सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पांच क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको मैंने चेंज कर दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ये है क्या, हाँ ये 100% राइट है। अगर आपको भी ऐसे ही अगर सटीक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, एंड आप राइट वे में सीखना चाहते हैं कि कैसे चेंज होता है, थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए, तो आपको ये ट्रिक जानना होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग there are five types of sentences. First one is assertive, second one is interrogative, third one is imperative, fourth one is optative, and the last one that is exclamatory. ये पांच sentences को, ये पांच sentences को कैसे direct से indirect में change किया जा सकता है उसके use करके, that means reported speech portion को, एक actually ये जो portion है ये portion को कहा जाता है reporting verb, और ये portion को कहा जाता है reported speech. तो reported speech में रहेगा वो ये assertive, interrogative, optative, सारा कुछ कैसे वहां से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज होता है। अगर ये क्लास आप करते हो, ये जो एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, दो तीन क्लास होगा इसका, अगर डेली आप अटेंड करते हो तो आपको स्पीच रिलेटेड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं, सारा आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ये क्लास अटेंड करते हो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दे देना, एंड बने रहिए। अगर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच या नर्सिंग चेंज अगर सीखना है तो जरूर बने रहिए, एंड थैंक यू।